नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम, अब तक 74 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,18,000 से ज्यादा ने गंवाई जान, वहीं 37 लाख से ज्यादा इलाज के बाद स्वस्थ। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, रोजाना 15,000 से अधिक मामले आ रहे हैं सामने, फिर भी कोरोना संकट के बीच इसी महीने चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना में होगी चुनावी सभाएं। अमेरिका में इस साल नवंबर में होना है राष्ट्रपति चुनाव, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,000 के पार, तो अब तक 8,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम, वहीं 1,41,000 इलाज के बाद हुए स्वस्थ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात को मिली सरकार की मंजूरी, कमर्शियल निर्यात पर 25 मार्च को लगी थी रोक, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने दी जानकारी। रोक के बाद भी मानवीय आधार पर कई देशों को सरकार ने भेजी थी खेप, लेकिन निर्यात निजी कंपनियों को नहीं सिर्फ सरकारों को किया जा रहा था, अब मैन्युफैक्चरर्स को कम से कम 20% हिस्सा भारतीय बाजार में करना होगा सप्लाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई तो फिर लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। कनाडाई पत्रकार के अपहरण हत्या मामले में तालिबानी आतंकी अमीन शाह मारा गया, पेशावर में हुई मुठभेड़ में आतंकी अमीन शाह हुआ ढेर, आतंकी अमीन शाह ने किया था आत्मसमर्पण से इनकार। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताई बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान, हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का भी पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गई दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना। रफ्तार में दक्षिण भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में है सक्रिय, 14 जून तक कई राज्यों में मौसम लेगा करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को किया संबोधित, बंगाली भाषा में की प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत, कहा 95 साल से ICC देश की कर रहा है सेवा। पीएम मोदी ने उद्योग जगत को दिया मंत्र, कहा लोकल के लिए वोकल होना जरूरी, अब स्वदेशी को अवसर बनाने का समय। सरहद पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, राजौरी के मंजाकोट और तारकुंडी सेक्टर में दागे मोर्टार, फायरिंग के में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। वहीं भारतीय सेना की ओर से पाक की नापाक हरकत का दिया गया मुंहतोड़ जवाब, बड़गांव में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों को जैश के आतंकियों के छिपने का मिला था इनपुट। सुप्रीम कोर्ट में पालघर मॉब लिंचिंग मामले की CBI जांच की याचिका दाखिल, साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने दाखिल की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, जयपुर के निजी होटल में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का ठहराव, आज फिर होगी विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में खरीद फरोख्त के किए जा रहे प्रयास, विधायकों को करोड़ों रुपए का दिया जा रहा ऑफर। भाजपा पर लगाए गए आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का पलटवार, कहा कांग्रेस ने पार्टी के अंदरूनी बिखराव को रोकने के लिए विधायकों को भेजा कैंप। जन्मदिन पर रिम्स में लालू यादव, बाहर पोस्टर वाली सियासत, पटना से रांची तक दिखी हलचल। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट शामिल, रैंक में 13वें पायदान पर रहा एयरपोर्ट, हालांकि पिछले साल के मुकाबले 4,40,000 यात्री घटे। योगी सरकार की महिला मंत्री के पिता का कथित ऑडियो क्लिप वायरल, लिस्ट में बदलाव के लिए मंत्री के पिता को रिश्वत की पेशकश, ऑडियो क्लिप की लखनऊ पुलिस कर रही जांच, ऑडियो क्लिप में बिचौलिया 5 लाख रुपए की कर रहा पेशकश। तमिलनाडु के त्रिची में मासूम ने खाद्य पदार्थ समझकर खाया विस्फोटक, मुंह में विस्फोटक पटने से मासूम की मौत, कावेरी नदी पर मछली मारने के लिए 3 लोग लेकर आए थे विस्फोटक, मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल, वीडियो में अनुपम खेर अपने भाई से सिर पर चलवा रहे हैं ट्रिमर, एक भाई का दूसरे के सिर पर ट्रिमर चलाना सोशल मीडिया यूजर्स को लगा फनी।
मलाइका अरोड़ा की सोसाइटी में मिला कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने की बिल्डिंग सील। इससे पहले भी कई टीवी और फिल्म एक्टर्स की इमारतों में मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। टीवी एक्टर जगेश मुकाती का निधन, जगेश ने टीवी शो के साथ साथ फिल्मों में भी की थी एक्टिंग। जगेश को अमिता का अमित, श्री गणेश जैसे शोज में मिली थी पहचान, गुजराती थिएटर में भी काफी फेमस थे जगेश मुकाती। अक्टूबर नवंबर में निर्धारित टी20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी ने नहीं लिया फैसला, आईसीसी बोर्ड की टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक, टी20 वर्ल्ड कप पर अगले महीने तक टाला फैसला। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का आयोजन। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दिए आईपीएल जल्द कराने के संकेत, कहा आईपीएल और घरेलू मैचों के लिए गाइडलाइंस की जा रही तैयार, बगैर दर्शकों के भी कराए जा सकते हैं टूर्नामेंट। 29 मार्च से होने वाला आईपीएल कोरोना वायरस के कारण टाला जा चुका है अनिश्चितकाल के लिए। यूपी के मैनपुरी में फसल की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, गोली मारकर उतारा किसान को मौत के घाट, हत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में गाय का चारा खाने पर बछड़े की हत्या, बेजुबान के साथ हुई क्रूरता की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने गाय के मालिक सहित दो अन्य को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में यौन उत्पीड़न की शर्मनाक वारदात, देवर ने किया विधवा भाभी से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के नाबालिग टिकटॉक स्टार की पिटाई मामले में पुलिस को मिली सफलता, मामले में जांच के बाद शातिर बदमाश समेत एक नाबालिग निरुद्ध, जेल में बंद शातिर बदमाश के इशारे पर हुई थी वारदात, सरेराह हुई पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं, तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने दाखिल याचिका को स्वीकार करने से किया था इनकार। नीट के तहत मेडिकल कॉलेज की सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर थी याचिका। दौसा के भड़ाना में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य मंत्री और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। पाली में मनाई गई किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि, जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी स्मृति भवन में दी नेताओं ने श्रद्धांजलि। अजमेर के विजयनगर में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया याद, पुष्पांजलि अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा ने किया प्रदेश में होने वाली वर्चुअल रैलियों के लिए कार्यक्रम में बदलाव, 14 जून को होने वाली जयपुर और भरतपुर संभाग की वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी संबोधित, पहले जेपी नड्डा का था संबोधित करने का कार्यक्रम। वहीं 27 जून को होने वाली उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग की वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे संबोधित, हालांकि 20 तारीख को होने वाली रैली को लेकर अभी तक केंद्र से किसी नेता के नाम को नहीं दी गई हरी झंडी। टोंक में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज आया सामने, तो वहीं निवाई शहर सहित रिको इंडस्ट्रीज एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, बैंकों के बाहर लोगों की जुट रही भीड़। अजमेर के विजयनगर में बैंकों के बाहर गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, ग्राहकों की लंबी लाइनें लगना हुआ आम, सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हो रही पालना, बैंक कर्मचारी भी बेखबर। पाली के सुमेरपुर में बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ, दो दिन में 6 कोरोना पॉजिटिव आए सामने, उपखंड क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 81। सरकार के निर्देश के बाद आरयू ने परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारियां की तेज, आरयू के कुलपति आरके कोठारी ने परीक्षा नियंत्रक कमेटी के साथ की बैठक, 13 जुलाई से शुरू होगी परीक्षाएं। टोंक के पीपलू में टिड्डी दल से किसानों की उड़ी नींद, कस्बे में एक बार फिर टिड्डियों के बड़े दल ने दी दस्तक, जिससे किसानों के चेहरों पर दिखी चिंता, किसान कर रहे टिड्डियों को भगाने का प्रयास। टोंक जिले के देवली क्षेत्र में टिड्डियों के हमले से फसलें हुई चौपट, किसानों को हुआ काफी नुकसान, प्रशासन से की मुआवजे की मांग, 2 दिनों से टिड्डियों के हमले जारी। बदमाशों ने कोटा के रायपुर रोड पर लूट के इरादे से पेट्रोल पंप पर की फायरिंग, गोली लगने से एक सेल्समैन हुआ घायल, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर के लक्ष्मी नारायणपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस जुटी मामले की जांच में।
जयपुर के दूदू में अपहरण की गई तीन नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने किया दस्तयाब। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। परिजनों ने तीनों नाबालिगों के अपहरण की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। अलवर के गोविंदगढ़ इलाके में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के आरोप में पेट्रोल पंप के दो सेल्समैन किए गिरफ्तार। 2,07,000 रुपए और एक बाइक की जब्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में भिवाड़ी क्षेत्र की औद्योगिक इकाई में लगी भीषण आग। सूचना पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। हादसे में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बीकानेर के लूण करनसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम। एक टैंकर अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसा, जबकि एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही हादसे में नहीं हुई कोई किसी तरह की कोई जनहानि। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए अलवर के बांसूर में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 148 यूनिट हुआ रक्तदान। दूसरी ओर विधायक शकुंतला रावत ने बांसूर अस्पताल और कोविड 19 सेंटर में सैनिटाइज मशीन का किया शुभारंभ। कोरोना संक्रमण में गृह विभाग के निर्देशों पर बंद की गई अंतर्राज्यीय रोडवेज सेवा फिर से हुई शुरू। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। हरियाणा के लिए कल से फिर होगी रोडवेज बस सेवा शुरू। बारा की कृषि उपज मंडी में माल का उठाव नहीं होने से अनाज के लगे ढेर। किसान और व्यापारियों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। लॉकडाउन के चलते बिहार के मजदूर लौटे अपने घर। मजदूर नहीं होने के चलते अनाज के लगे ढेर। बाड़मेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। पानी की कमी के कारण रेगिस्तान के जहाज और राज्य पशु की मौत। जिले में इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों का हाल बेहाल। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सामाजिक संस्था पर खड़े हुए सवालिया निशान। गरीब परिवारों की मजबूरी का उठाया फायदा। अपने ही पैसों के लिए दर तक भटक रहा मजबूर परिवार। पाली के जीवंत कला गांव में दबंगों ने दिखाई दबंगई। बेरहमी का शिकार हुआ एक परिवार। घांची समाज ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। टोंक के पीपलू उपखंड में राजकीय विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण का मामला। उपखंड अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे अतिक्रमण हटाने। समझाइश के बाद हटाया गया अतिक्रमण। जालौर के रानीवाड़ा के बगतपुरा गांव में घरेलू विवाद का मामला। युवक पर बदमाश ने किया हमला। बाइक को लगाई आग। पुलिस जुटी मामले की जांच में। नागौर के मेड़ता में कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस समेत कई लोग रहे मौजूद। दौसा के लालसोट में उड़ी लॉकडाउन गाइडलाइन की धज्जियां। बिना मास्क लगाए बाजार में निकल रहे लोग। पालिका प्रशासन मौत। राजधानी के सांभर में राशन विक्रेता ने उड़ाई सरकार के आदेशों की धज्जियां। दुकानों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। सामान के लिए उपभोक्ताओं को काटने पड़ रहे 2 से 3 दिन तक चक्कर। बयाना में नायब तहसीलदार, पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पाए जाने पर दुकानदारों से वसूला जुर्माना। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बावजूद दुकानदारों की लापरवाही आई सामने। भीलवाड़ा में 9 कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर कोविड केयर सेंटर से किया डिस्चार्ज। अभी तक 132 लोग संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 180 के पास। टोंक के निवाई में कृषि विभाग ने लिए खाद बीज के सैंपल। कई दुकानों का किया औचक निरीक्षण। वहीं कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। बारा की करवारी कला गांव में हथियादेह बांध का निर्माण कार्य शुरू। करीब 407 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा बांध। निर्माण कार्य से ग्रामीणों को मिलेगी राहत। खुद के आशियाने का सपना होगा सच। टोंक के देवली में पालिका ने किया 70 निःशुल्क भूखंडों का आवंटन। घुमंतु वर्ग के लोगों को किया गया आवंटन। दौसा के लालसोट में अतिक्रमण पर चल रहा प्रशासन का डंडा। किशोरपुर स्कूल के पुराने भवन को कराया अतिक्रमण मुक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी भरने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद। दबंगों ने गर्भवती महिला को पीटा। मारपीट से बच्चे की गर्भ में ही हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। एवं तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।